بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. हमारा आज का दर्स सूरह बकरा की आयत नंबर 114 से शुरू हो रहा है। हमारा सबक नंबर 24 है और अभी तक हमने 23 असबाब के अंदर समझने 113 आयात पढ़ी हैं और सूरह बकरा का ये हमारा 8वां मजमून है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर 5 किस्म की बातों का बयान हो रहा था, जैसे कि पिछले दर्स के अंदर आपने देखा कि नहीं, मजमून नंबर 7 है, 8वां मजमून नहीं है, मजमून नंबर 7 है। अहले किताब की 5 किस्म की बातों का बयान था। पहली बात हमने कह दी कि यहूद जो है अल्लाह ताला के ऊपर बेदलील किस्म का दावा करते थे, उसके बारे में हम बात पढ़ चुके। फिर वजह इसकी ये थी कि उनका तासुब आम इंसानियत से जो था। दूसरी किस्म की बात, उनका तासुब नसारा के साथ और नसारा का तासुब यहूद के साथ कैसा था, उसके बारे में दूसरी आयत थी हमारे पास, वकालत यहूद लैसतिन नसारा अला शय। फिर तीसरी किस्म का तासुब हमने तर्जुमा पढ़ लिया था, इसके बारे में बात करना थी। तीसरी किस्म का तासुब, उसका असर उनकी इबादत गाहों के ऊपर था। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا तो ये इनका तासुब ऐसा था, लेकिन अल्लाह ने उनके तासुब का जवाब तो दिया, लेकिन उस तासुब के साथ उनके साथ जो मामलात किए वो भी इस आयात के अंदर जिक्र फरमाए हैं। यहां से हमारा आज का दर्स शुरू हो रहा है। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها। ومن اظلم उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा। अजलम इसमें तफजील है, इसमें तफजील माना सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है जुल्म की। ومن اظلم ممن منع مساجد الله। अच्छा, एक बात पहले इसको समझ ले। ومن اظلم उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा, ممن منع مساجد الله, कि जो रोके, जो रोक लगाए, यानी जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में इस बात की बंदिश लगाए, मना बंदिश लगाए, रोक लगाए, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घर के अंदर, अल्लाह की मस्जिदों सजदागाहों के अंदर, इस बात का इस बात का रोक लगाए, इस बात की बंदिश लगाए कि अं युज़्करा, कि इसमें जिक्र किया जाए, फीहा इसके अंदर, इस्मुहु अल्लाह का नाम, इसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, इस बात से वो रोक लगाए। वसा और कोशिश करे, सही करे, खराबी हा उसके वीरान करने के अंदर, उसके वीरान करने की कोशिश करे। उलाई का मकान अलहंगे खुलूहा। मैं असल में किसी का काम भी तफसील से देख नहीं सका, तो मुझे जहन में नहीं हम ये आयत पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके, लेकिन पढ़ भी चुके हैं तो इसके अंदर और किस्म की बातें आपको इंशाल्लाह पता चलेंगी। वो साफ ये खराब यहा, और उसके खराब कहते हैं वीरान करना। वीरान करना दो किस्म का होता है, मस्जिद को गिराने की कोशिश करना, मस्जिद को बेआबाद करने की कोशिश करना। खराब, ये उर्दू वाला खराब नहीं है जी, अरबी वाला खराब है। उलाए का, उलाए का ऐसे लोगों के लिए, उलाए का हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मकाना लहुम, मा कान लहुम, कोई हक नहीं पहुंचता। उलाए का ये ऐसे लोग हैं कि उनको कोई हक नहीं पहुंचता कहीं यद खुला के इसमें दाखिल हो, और अगर दाखिल हो तो इल्ला खाइफिन, दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होने का अदब ये है कि डरते हुए दाखिल हो। कि हम डरना क्या मतलब है भी इसको ऐसे समझा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि आप इसको ये समझें कि आप अपने इलाके के सबसे बड़े आदमी के घर जाते हैं, तो आप उनके घर जाते हुए किस तरीके से जाते हैं,
आपके दिल में क्या कैफियत होती है, यानी आपके दिल में जो कैफियत, ये भी मैं इनको किसी तरह नाराज ना कर दूं, मैं इनकी शान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत ना कर दूं जिससे इनको शर्मिंदगी हो, जिससे इनको बुरा लगे। मैं कोई ऐसी हरकत ना कर दूं कि जिससे इनको बुरा लगे, चुनाचे उसको, उस कैफियत को खौफ कहते हैं। यहां पर उस कैफियत को खौफ को कहते हैं। तो उलाइक मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, के ये लोग ऐसे हैं कि इनको ये मामला है कि मा कान लहुम, इनको ये रवा नहीं है कहीं यदखुलूहा इसमें दाखिल हों, लेकिन अगर दाखिल हों तो जिस तरीके से फर्मा बरदार लोग दाखिल होते हैं, यानी अदब से, डरते हुए, बेअदबी के डर से, तो उनको ऐसे दाखिल होना चाहिए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, अब वो लोग जो के मस्जिद की मस्जिद में तासुब ऐसा रखते हैं कि उसमें ये चाहते हैं कि अल्लाह का नाम न लिया जाए, तो लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, तो उनके लिए दुनिया के अंदर रुसवाई है। अल्लाह, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में जो जबरदस्त आजाब है। तो यहाँ पर समझ लें कि लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातें, एक तो यहूद का तासुब मैंने आपको बता दिया, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबक दिया कि आपस में कोई ऐसा तासुब न रखना कि जिसका असर तुम्हारी इबादत गाहों की तरफ जाए। अगर तुमने आपस में ऐसा तासुब रखा कि जिसका असर तुम्हारी इबादत गाहों के ऊपर पड़ गया, तो ये तुम्हारी खराबी की अलामत शुरू हो गई, नंबर एक। नंबर दो, मस्जिद में जब जाए, अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हों, तो इस तरीके से हाजिर हों कि आपके ऊपर खौफ मुसल्लत हो, आपके ऊपर डर मुसल्लत हो। ऐसा नहीं है कि नमाज के अंदर खड़े हैं तो नमाज में बेफिक्रे खड़े हुए हैं, कोई फिक्र ही नहीं है, बस अल्लाह के सामने भी ऐसे खड़े हैं जैसे कि दुकान में खड़े हैं, अल्लाह के सामने भी ऐसे खड़े हैं जैसे अपने घर में खड़े हैं, तो ये ना हो। अब उन यहूद को जवाब दिया जा रहा है कि देखो, अगर तुम उनको मस्जिद से रोकोगे, जैसे कि कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से रोका, बाज़ रिवायत में कि सुलह हुदैबिया के मौके पर यह आयत नाजिल हुई, बाज़ रिवायत में कुछ और है, बड़ी तफसीलात हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि मशरिक और मगरिब सभी अल्लाह का है। फअयनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, फअयनमा, फअयनमा असल में है अयना, इसमें ऐना और माँ ये दो लफ्जों से मिलके बना है। ये ऐना का मतलब है कहाँ और माँ का मतलब है जो भी। ऐना और माँ, इन दोनों को मिलाया तो ये लफ्ज बना ऐना माँ। तो फा ऐना माँ, फा ताकीब माल वसल को बताता है, ताकीब माल वसल, ताकीब माल वसल एक टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं है, यानी ये किसी चीज के फौरी होने को बताता है कि जब भी, यानी एनी टाइम एनी वेयर, इसका यह मतलब है। ऐनमा फऐनमा, एनी टाइम एनी वेयर, यानी जब भी, जिस वक्त भी, जिस जगह भी, जब भी, जिस तरफ भी, तुवल्लू तुम रुख करोगे, तुम रुख करोगे, सम्मा तो पाओगे, वजहुल्लाह अल्लाह ताला की जहत को, अगर जहत का लफ्ज ना समझ सके तो इसको समझ लें डायरेक्शन या रुख को। रुख का मतलब है डायरेक्शन। फअयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तो अल्लाह ताला की डायरेक्शन तुम पालोगे। अल्लाह की डायरेक्शन काबतुल्लाह की तरफ इसलिए रखी ताकि यूनिटी हो सके, इत्तेहाद हो सके, मुत्तहिदा तौर पे सारे लोग काम कर सकें। लेकिन असल में तो अल्लाह का रुख काबतुल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह का रुख तो ये है कि हमेशा हर जगह, हर तरफ, हर सिमत, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, अंदर बाहर, हर जगह अल्लाह के साथ मौजूद है। तो अल्लाह ने कहा फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी मुँह कर लो। हमारे पास तो छः सिमत है ना, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ऊपर और नीचे ये, लेकिन अल्लाह कहते हैं छह सिमत नहीं, फअयनमा, जिधर भी रुख करो, खला में हो, फिजा में हो,
हवा में हो, जमीन में हो, कुएं में हो, दरिया में हो, समंदर में हो, जहां भी हो। फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह ताला जिधर भी मुंह करोगे, जिधर भी मुंह करोगे उधर हमें पाओगे। एक बात याद आ रही है, दिल चाहता सुना दूं। मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ यहाँ पे, मबसूत। ये हो सकता है किसी को पढ़ना ना आए कि मेरी लिखाई है ऐसी है। मबसूत एक मबसूत हमारी एक किताब है, मबसूत लिस्सरखसी। मबसूत एक किताब हमारी एक किताब है। ये वो किताब है कि जिसके बगैर फिका हनफी मुकम्मल नहीं है। यानी ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और ये इतनी ज़बरदस्त किताब है कि आज भी आपको कोई मसला होता है, आज भी आपको कोई मसला होता है, इस किताब ने उसके उसूल को लिखा हुआ है। आज से 10 साल के बाद कोई मसला है, 20 साल बैंकिंग के मसाइल हैं, हालांकि ये 4थी सदी हिजरी 5वीं सदी हिजरी में किताब लिखी गई है, गालिबन मुझे सन याद नहीं है। तो यानी आज से 1000 साल पहले या 800-900 साल पहले किताब लिखी गई है, लेकिन आज भी कोई मसला आएगा ना तो वो आपको उसमें मसला मिलेगा, मबसूत में मिलेगा। यानी इतना उनका जहन चलता था कि इस तरह के मसाइल लोगों को पेश आ सकते हैं, और वो उन्होंने बताए मसाइल। आपको अंदाजा है कि ये मसाइल किताब कितने बड़े शहर में लिखी गई होगी, कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी, और कितने उलमा ने मिल के लिखी होगी? नहीं जी, सिर्फ एक आलिम ने लिखी है, एक आलिम ने लिखी है। और कहाँ लिखी है जी? इनको बादशाह ने एक फतवा ना देने के जुर्म में कुएं में कैद कर दिया था। ये कुएं में बैठे होते थे, इनके शागिर्द कुएं के मुंडेर पे आ जाते थे और इनसे पढ़ना शुरू करते थे, और इन्होंने कहा अगर ये मसला हो, अगर ये मसला हो, अगर ये मसला हो, अगर ये मसला हो, आप यकीन करें या ना करें, तारीख गवाह है कि 12 ईयर्स यानी 12 साल इन्होंने मसाइल कुएं में बैठ के पढ़ाए, और शागिर्दों ने कुएं के गिर्द आके लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, 12 बरस तक कुएं में कैद रहे और वहीं बैठ के ये किताब लिखी। तो मैं इधर जमीन के अंदर भी जहां रुख करेंगे, जहां भी रुख करेंगे तो अल्लाह की जात को पाएंगे। वहां से मुझे याद आ गया सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह, सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, इनको हजाज इब्न यूसुफ ने कत्ल करने की धमकी दी, और इनको इनको इनका रुख किबले की तरफ किया और कहा गर्दन उड़ाओ। तो इन्होंने वो आयत पढ़ी जिसके अंदर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है किबले की तरफ रुख करने का। चुनाचे हजाज ने कहा कि इनका रुख जो है वो किबले से फेर दो, उल्टी किबले से कमर कर दो। तो इन्होंने यह फ़ऐनमा तुवल्लू वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, मशरिक भी अल्लाह का है तो मेरा मुंह मगरिब की तरफ कर रहा है तो वो भी अल्लाह का है। फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तो कहा कि अच्छा इतनी सी बात है, चलो मैं सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को जमीन पर उल्टा लिटाओ और फिर इनको शहीद करो। तो जमीन पे जब उल्टा लेटाया तो उन्होंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि जमीन की तरफ रुख करो तो तब भी अल्लाह ही का रुख है। तो फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, बात आगे निकल गई, मैं यहीं पे ब्रेक लगाता हूँ। इन अल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह, और यकीन रखो, इन्ना का तर्जुमा बेशक से करते हैं या इन्ना का तर्जुमा करते हैं यकीन रखो, यकीन रखो, या बेशक अल्लाह ताला वासिउन बहुत वुसत वाले हैं, बहुत वुसत वाले, बहुत इलम वाले हैं, बहुत वुसत वाले और बहुत इलम रखने वाले हैं। इलम रखने वाले हैं से तर्जुमा नहीं करेंगे, बहुत इलम रखने वाले हैं से हम इसका तर्जुमा करेंगे। ये होगी तीसरी बात, मुकम्मल हो गई। अब आए चौथी किस्म की बात। अहले किताब जो हैं उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तोहमत लगाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना बेटा बनाया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जैसे मैंने पहले बताया कि ईसाइयों का कोई पक्का अकीदा नहीं है,
सूरह आले इमरान के अंदर भैंस ही ईसाइयों से है इंशाल्लाह, अल्लाह ने हिम्मत और जिंदगी ही तो वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि ईसाई ये कहे वकालू, ये चौथी किस्म की वकालू और अहले किताब यानी नसारा ये कहते हैं, तोहमत लगाते हैं इत्तखद अल्लाह वलदा, कि अल्लाह ताला ने बेटा बनाया हुआ है। सुबहाना, देखें आपको यहाँ छोटा सा लाम अलिफ ला नजर आ रहा है, यहाँ छोटा सा लाम अलिफ ला नजर आ रहा है, ये छोटा सा आपके कुरान मजीद अगर पाकिस्तानी है तो उनमें लाम अलिफ ला ये लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो ये लाम अलिफ ला का मतलब क्या है? लाम अलिफ ला का मतलब ये होता है कि जहां ये लगा हुआ है वहां पर रुकना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर ये त्वा आपको नजर आ रही होगी, त्वा का मतलब है कि यहाँ पर रुक जाना बेहतर है, लेकिन लाम अलिफ ला का मतलब है यहाँ रुकना ना रुकना बेहतर है। ठीक है जी। तो वकाल उत्तखदल्लाह वलदन सुबहाना, मतलब ये है कि जब ये बात कही जाए तो फौरन ही सुबहानहू पढ़ लिया जाए। सुबहानहू का मतलब है कि अल्लाह ताला इस तोहमत से पाक है, अल्लाह ताला इनकी इस बात से पाक है, इनकी ये बात तोहमत है, इसलिए हम तोहमत से तर्जुमा कर रहे हैं। वकाल उत्तखदल्लाह वलदा, ईसाई हजरात ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहानहू तआला का बेटा हजरत ईसा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे थे सुबहान अल्लाह ताला इस तोहमत से पाक हैं, इस बात से पाक हैं, लिहाजा जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको मिला के पढ़ें। वकाल उत्तखदल्लाहु वलदन सुबहाना, यानी जब पढ़ाते वक्त मैंने अलग पढ़ा है, पढ़ाते वक्त अलग पढ़ना चाहिए ताकि हर हर चीज का मतलब अलग से समझ में आए, लेकिन जब आप तिलावत करेंगे तो लाम अलिफ ला पे ना रुकना बेहतर। बाज़ आयत ऐसी होती है जिसमें लाम अलिफ ला ऐसे ही ऊपर लगा होता है, तो उसमें यह होता है कि आयत तो मुकम्मल होगी लेकिन रुक जाओ ना रुको तो बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल रुकने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर रुकने की गुंजाइश नहीं है। जब आप नहीं रुकें यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह ताला की किबरियाई है वकाल उत्तखदल्लाहु वलदा, अगर आप यहाँ रोकेंगे तो आप खुद देखें कि तर्जुमे में मतलब बदली होगा, कुछ लम्हे के लिए बदली होगा, लेकिन क्यों बदली हो गई? इसलिए जब मिले तो पढ़ें तो मिला के पढ़ें। वकाल उत्तखदल्लाहु वलदन सुबहाना, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का अल्लाह ताला ने बेटा बनाया हुआ है, हालांकि अल्लाह इससे पाक है। अगर हम रुक जाए अल्लाह ने बेटा बनाया हुआ है, अल्लाह इससे पाक है, तो ये थोड़ी देर के लिए ईमान में फर्क महसूस होगा। तो उलमा ने ये लाम अलिफ ला लगाया ताकि ईमान में फर्क ना हो। आगे तो लगाया, इसका मतलब यहां रुक जाना चाहिए क्योंकि बात यहां मुकम्मल हो रही है। अब बता रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर बेटे की जरूरत होती तो इतने बड़े कादर मुतलक अल्लाह ताला हैं, उनको बेटे की जरूरत ही नहीं, उनको बेटे की एहतियाज ही नहीं। बेटा तो एक मोहताज लोगों को अल्लाह ताला देते हैं, औलाद तो उनको दी जाती है जो औलाद के लिए कोशिश करते हैं, मोहताज होते हैं। अल्लाह ताला को औलाद की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला तो पाक है। जैसे यहाँ पर एक समझ लें, एक साहब थे बड़े